इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक अवेलेबल थी, तो ये इलेक्ट्रिक कमर्शियल कार लाने का क्या कॉन्सेप्ट है? ये कितनी देर में चार्ज होती है, तो ये वोल्टेज कितना ले रहा होगा, यूनिट कितने कंज्यूम करेगा? बाय डिफॉल्ट ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लगाया जाता कि ये चलते हुए खुद को चार्ज करे? हर 200 किलोमीटर के बाद चार्जिंग स्टेशन इंप्लीमेंट कर दिए हैं, तो जब 10-11 लोग बैठ जाएंगे तो ये क्या इसकी पावर कम हो जाएगी? बारिशों में पानी बहुत खड़ा हो जाता है, अक्सर गाड़ियों में भी चलाया जाता है, तो तब इसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल, कॉस्ट क्या है इसकी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको मैं पहली पाकिस्तान की कमर्शियल इलेक्ट्रिक कार दिखाने जा रहा हूं जो पाकिस्तान में मुतारफ करवा दी गई है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, एक चार्जिंग में कितना सफ़र तय करेगी, तमाम तर तफसील जो सी है आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं इनके ऑनर के पास और उनसे बात करते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ऑलरेडी मार्केट में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक अवेलेबल थी, तो ये इलेक्ट्रिक कमर्शियल कार लाने का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये पाकिस्तान की वाहिद और पहली इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल है जो हम लॉन्च कर चुके हैं। कमर्शियल लाने का मकसद ये था कि जितने भी यूज़र जो कमर्शियल गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं वो मेजॉरिटी बड़े बिजनेसेस हैं, तो उनका मेजर मोटिव है कि सेविंग्स। ये गाड़ी फ्यूल की नस्बत आपको 1/4 कॉस्ट में पड़ती है, तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के यूज़र्स हैं उनके लिए सेविंग बहुत बड़ी है, जिसके लिए एक प्रोजेक्ट लाने का मकसद हमारा। अच्छा, अब चूँकि ये इलेक्ट्रिक है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि ये कितनी देर में चार्ज होती है? इसको फास्ट चार्जर जो लगे हुए हैं मार्केट में भी और हमने भी लगाए हैं, मैं अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान में टेस्ला का वाहिद कंपनी जिसका मैक्सिमम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, KPK से रहीमियार खान तक हमने चार्जर्स हाईवेज़ के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिए हैं। फास्ट चार्जर पे अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 50 मिनट्स में आप इसको फुल चार्ज कर सकते हैं और 250 किलोमीटर की रेंज तक आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर घर के अंदर चार्ज करते हैं या ऑफिसेज में चार्ज करते हैं छोटे चार्जर्स पे 3 या 6 किलोवाट के, तो उस पर आप तकरीबन 6 से 7 घंटे में इस गाड़ी को फुल चार्ज करके दोबारा 250 किलोमीटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर नॉर्मली आम शहर में यूज़ के लिए बात की जाए, ऑफिस के लिए पिक एंड ड्रॉप की बात की जाए, तो आप रात को चार्ज करके सुबह के टाइम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने बताया 6 से 7 ये लेगा चार्जिंग में, तो ये वोल्टेज कितना ले रहा होगा, यूनिट कितने कंज्यूम करेगा? ये गाड़ी 42 यूनिट्स कंज्यूम करती है, 900 से 1000 तक ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी अगर आप घर या ऑफिस पर लोकल इलेक्ट्रिसिटी पर करते हैं। कमर्शियल के क्योंकि यूनिट ज़्यादा होते हैं तो वो तकरीबन शहर में 50 रुपीज़ का यूनिट पड़ता है, तो 50 रुपीज़ अराउंड 2100 रुपीज़ की गाड़ी फुल चार्ज होकर 250 किलोमीटर की रेंज देगी। तो आपके कहने का मकसद ये है कि 2000 रुपये में आम जो शहरी है वो 250 किलोमीटर सफ़र तय कर सकता है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। जो आपने चार्जर इंप्लीमेंट किए हैं, जो आपने लगा दिए हैं इसके चार्जिंग सिस्टम के लिए, आप वहाँ पर क्या चार्ज मतलब करेंगे उनसे चार्जिंग के लिए? देखें, जो शहरों में लगाए हैं जिस तरह इस्लामाबाद में सेंटोरस में लगा हुआ है, वहाँ पे तो हम जो शहर लोकल यूनिट है उसी हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। हाईवेज़ के ऊपर थोड़ा सा प्लस माइनस 10 रुपीज़ का फ़र्क है, जो कि पिंडी भटियाँ भेरा इंटरचेंज या गुजरात में जो हमने लगाए हैं वहाँ पे, तो हार्डली 10-12-13 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमारा, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी घर में कॉस्ट करती है पर यूनिट के हिसाब से आप वही चार्ज कर? नहीं, कमर्शियल रेट थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कमर्शियल पे अगर आप करेंगे तो 2000 से 2100 रुपये में गाड़ी चार्ज होगी, क्योंकि कमर्शियल का रेट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। घर में जब आप चार्ज करते हैं तो वो आपको यूनिट थोड़ा सस्ता मिलता है, तो वो तकरीबन 900 रुपये से लेकर 1000-1100 रुपये में गाड़ी चार्ज। इसमें चूँकि इंजन भी नहीं होगा, कोई उसका मोबिलाइल वगैरह वो खर्चा भी नहीं होगा, तो ये सिर्फ इसका इलेक्ट्रिसिटी भी इस पर कॉस्ट पड़ेगी? हाँ जी, इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि इसमें ना ऑयल है, ना ऑयल फिल्टर है, ना इस तरह की कोई और मैकेनिकल चीज़ ही कोई नहीं है। गाड़ी की जो हम वारंटी दे रहे हैं वो 1,50,000-1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी है, या 5 ईयर्स जो पहले आ जाए। जो बैटरी की लाइफ है, जो इसकी अपनी बैटरीज हैं, उसकी तकरीबन 1,000,000+ 10 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की लाइफ है। अच्छा, अब चूँकि पहले इससे पहले इलेक्ट्रिक कार्स भी हैं या इलेक्ट्रिक बाइक भी आई, तो लोगों का सवाल ये होता है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लगाया जाता कि ये चलते हुए खुद को चार्ज करे? क्योंकि अब चूँकि ये कमर्शियल गाड़ी है तो लोग इसको आउट ऑफ सिटी जाने के लिए भी यूज़ करेंगे, तो अगर 250 किलोमीटर के बाद ये बंद हो जाती है तो तब क्या करेंगे? देखें, पहले सवाल का जवाब ये है कि इसके अंदर रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम है, कि जब आप स्पीड में जाते हैं और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो इसकी जो टायरों की मूवमेंट है उस ब्रेकिंग के थ्रू वो बैटरी चार्ज कर लेता है। अच्छा, हाँ जी, प्लस माइनस 10 किलोमीटर्स की बैटरी आपको दे देगा अगर आप लॉन्ग रूट पर जाके ब्रेकिंग करते हैं तो मिल जाएगा। दूसरा जवाब आपका ये है कि हमने KP से रहीमियार खान तक हर 200 किलोमीटर के बाद चार्जिंग स्टेशन इंप्लीमेंट कर दिए हैं। जब आप 200 किलोमीटर चलेंगे आपको चार्जर मिल जाएगा। हमने ये गाड़ी लॉन्च करने से कम अज़ कम 3 महीने पहले 8 जगहों पे चार्जर्स लगा दिए हैं, जिसमें पेशावर, इस्लामाबाद, भेरा, पिंडी भटियाँ, अब्दुल हकीम, मुल्तान, रहीमियार खान और गुजरात
शामिल हैं। ऑलमोस्ट 10-11 लोग बैठने की स्पेस तो होगी, तो जब 10-11 लोग बैठ जाएंगे तो ये क्या इसकी पावर कम हो जाएगी? देखिए, इस गाड़ी की जो कैपेसिटी है वो 1 टन है, 11 सीटर है ना। आप एवरेज 80 का भी अगर वेट लगा लें, 90 भी, तो 1000 किलो तक 1 टन लोड इसमें आप डालेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, हाँ जी, जिस परफॉर्मेंस एक बंदे के साथ होगी उतनी 11 भी अपनी पावर से चलेगी। जी, अपनी पावर से चलेगी। और समटाइम ऐसे भी होता है, मतलब जिस तरह हमारे लोकल में बारिशों में पानी बहुत खड़ा हो जाता है, अक्सर गाड़ियों में भी चलाया जाता है, तो तब इसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? इसकी जो बैटरीज हैं वो टोटली सील्ड होती हैं इनकी से, तो उसको पानी बारिश या किसी भी तरह का कोई भी वेदर इसको अफेक्ट नहीं करता। बैटरी की लाइफ कितनी है? 10 लाख किलोमीटर, 1 मिलियन। अच्छा, तो आप उसमें कोई वारंटी दे रहे हैं? अगर उससे पहले कोई ख़राब आ जाए तो वो आप उसको रिप्लेस करके देंगे? हम 5 ईयर्स या 1.5 लाख किलोमीटर, 150,000 किलोमीटर जो पहले आ जाए उसकी वारंटी इसमें शामिल है। इसमें 2 वेरिएंट्स हैं हमारे पास, एक 11 सीटर और एक लोडिंग कैपेसिटी के साथ है। अच्छा, ये 11 सीटर है पैसेंजर कैरी करने के लिए, और लोडर में फ्रंट 2 सीट्स हैं, पीछे पूरा कैबिन है। इंटीरियर भी देखते हैं, इसका डैशबोर्ड देखते हैं वो किस तरह का है, तो आइए साथ। इसके अंदर 2 तरह के मीटर हैं, एक स्पीड का मीटर है और एक बैटरी परसेंटेज का मीटर है। इसके अंदर बीच में डिजिटल मीटर है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। आपको ये रेंज बता देता है कि आपकी रेंज इतनी रहेगी, ये 207 किलोमीटर अभी बता रहे हैं, और बैटरी इज़ अराउंड 70%, ठीक है। और आप उसके बाद आप इसमें टाइम देख सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं बैटरीज़ का, कि आपकी बैटरीज जिस तरह आप बैटरी का देख सकते हैं कि हाई लो या इस तरह टेम्परेचर तो नहीं है, और वोल्टेजेस देख सकते हैं, करंट देख सकते हैं, गाड़ी जितनी एक्सेलरेशन ले रही है उस पर कितना करंट ले रही है, वोल्टेजेस कितने हैं उसके, और पावर देख सकते हैं मैक्सिमम पावर। मैंने आपको बताया था मोटर की 60 किलोवाट है, तो ये सामने वो शो हो रही है, और एक्चुअल पावर जब आप इसको एक्सेलरेट करेंगे उस हिसाब से सामने आपकी आती रहेगी। मीटर इसकी बता रहा है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, RPM का भी डिजिटल मीटर है, और नीचे टाइम दिखा रहा है वो। अच्छा, ये मैक्सिमम कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है? वैसे तो इसकी मीटर 160 पर है, लेकिन इसको सेफ्टी की वजह से 110 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड इस पर रखी हुई है। समटाइम ये कहा जाता है कि जब आप ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो बैटरी की लाइफ कम हो रही होती है, और साथ ही साथ चार्जिंग भी वो ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है, जिस तरह आम गाड़ियों में पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है जब आप गाड़ी स्पीड में चलाते हैं, तो सेम इसमें भी यही है? जी बिल्कुल ऐसी है। मैंने आपको जो 250 किलोमीटर रेंज बताई है वो 100 या 110 किलोमीटर की स्पीड पर बताई है। जब आप इसको 80 या 60 या 70 में ले आएंगे तो इट विल गिव यू मोर देन 280 किलोमीटर रेंज। अच्छा, हाँ जी, मतलब आप मिनिमम आपने ये 250 रखा हुआ है, अगर आप उसको कम स्पीड पे लेके जाते हैं तो ये ज़्यादा भी आपको देगा टाइम, और अगर हम इसको 120 से इन्हेंस करते हैं तो वो ऑब्वियसली बात है वो 250 से कम होता जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, जिस तरह शहरों की हम बात करें तो वहाँ पे अगर, क्योंकि ब्रेकिंग भी होती है, मैंने आपको बताया रीजनरेशन है, तो वहाँ पे अगर आप इसको, क्योंकि 60-70 से ज़्यादा स्पीड चलती नहीं है, तो डेफिनेटली आप 250 प्लस उस पर जा सकते हैं। अच्छा, चूँकि ये कमर्शियल गाड़ी बनाई गई है, तो अक्सर जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं उनके जो पैसेंजर सीट्स होती हैं वहाँ पर भी वो डक्ट्स लगाई जाती हैं एसी की, तो क्या इसमें भी इसी तरह रखा हुआ है एनवायरनमेंट कंट्रोल के लिए? जी बिल्कुल, ऐसी ये ट्विन एसी है यहाँ पे, और ट्विन हीटर ही है। ये आपके सामने 4 वेंट्स हैं, और ये जहाँ आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ये बैक एसी और हीटर दोनों के लिए ये वेंट लगाया गया है इसके अंदर, पैसेंजर्स के लिए। जी, पैसेंजर्स के लिए भी है। और इसके मल्टीमीडिया में कोई खास बात? बस इसमें ब्लूटूथ है, एंड्रॉयड है, आप इसको ऑक्स भी लगा सकते हैं, इसके साथ आप इसको USB भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बैग चलते हैं, वहाँ पर कितनी स्पेस है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बैग्स आ सकते हैं, और इसकी सीट्स, हर सीट के नीचे कम से कम 1 फीट की जगह है जिसके अंदर आप आराम से बैग्स अपने अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 11 से कम है, सपोज करें 8 हैं या 6 हैं या 7 हैं, जिनको पिछली सीट की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस सीट को फोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये फोल्डेबल है? जी, ये फोल्डेबल सीट्स हैं, इसको आप फोल्ड कर सकते हैं, और आप यहाँ पे अपने बड़े बैग, जितना भी आप वज़न डालना चाहें, आराम से इनको अकोमोडेट कर सकते हैं। इसका जो चार्जिंग सिस्टम है वो उसके बारे में बता दें। आप इसकी की को ही यूज़ करेंगे, इसका जिस तरह आप पेट्रोल का टैंक खोलते हैं उसी तरह आप इसकी की को चार्जिंग सिस्टम के लिए खोलेंगे। और यहाँ के अंदर इसका पोर्ट है, CCS पोर्ट इसको कहते हैं, ठीक है। जर्मन गाड़ियों में भी ये यूज़ होता है। यहाँ पे दो पोर्ट्स क्यों दिए गए? मैं बताता हूँ आपको, जो दो पोर्ट्स हैं, अगर दोनों पोर्ट में इंजेक्ट करेंगे तो फास्ट चार्जर जो है वो दोनों पोर्ट्स में इंजेक्ट किया जाता है, FR जो स्लो चार्जर है वो ऊपर वाली पोर्ट में इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए दो पोर्ट्स दिए गए हैं। तो ये फास्ट चार्जर जो है वो आप गाड़ी के साथ देंगे? नहीं, स्लो चार्जर गाड़ी के साथ होता है, ओवरनाइट चार्जर इसको आप बोलते हैं, और फास्ट चार्जर आपको मैंने जैसे अर्ज किया डिफरेंट स्टेशन पर लगे हुए हैं। अब मेन सवाल की तरफ आते हैं, ये गाड़ी कॉस्ट क्या है इसकी, मतलब एक आम आदमी खरीदना चाहे तो कितने में खरीद सकता है? करंटली जो इसकी प्राइस है वो 5.5 मिलियन है, और 55 लाख जिसको आप बोलते हैं, और फर्दर इसको फिर हम देखा जाएगा कि जो मज़ीद टैक्सेस वगैरह इस पर जो इम्प्लीमेंट होते हैं, फिलहाल तक की जो इसकी प्राइस है आज तक की वो 5.5 है, इस पर कोई ओन भी नहीं ले रहे, ये स्ट्रेट अवे इसकी प्राइस है इस टाइम, ठीक है।
तो जी नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान की पहली कमर्शियल इलेक्ट्रिक कार। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।